नमस्कार, मैं राहुल कुमार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार न्यूज नेटवर्क। अभी हम बुधवा पंचायत में हैं, जो कि यहाँ के मुखिया हैं रामस्वरूप यादव जी, और हमारे साथ हैं। क्या कुछ 12 से 14 महीनों में उन्होंने अभी तक विकास का काम किया है, और ये फैक्स अध्यक्ष भी हैं। सबसे पहले रामस्वरूप जी, आपको लाइव बिहार न्यूज नेटवर्क का आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या लग रहा है, कैसा लग रहा है मुखिया बन करके? मुखिया बन कर ठीक ही लग रहा है, कोई ऐसा टेंशन नहीं मेरे ऊपर। अभी तक 12 से 14 महीने का कार्यकाल हो गया है, इस बीच अभी तक विकास का अगर बात करें तो क्या लग रहा है, क्या कुछ अभी तक शुरुआत किए हैं? हाँ, किए हैं। क्या करवाए हैं अभी तक काम? काम मनरेगा में 2 अमृत सरोवर करवाए हैं बुधवा पंचायत में, जो उसका काम चल रहा है। अभी लगभग 50% काम हुआ है और अभी जारी है। उम्मीद है कि गर्मी के मौसम में समाप्त हो जाएगा। अच्छा, प्रधानमंत्री आवास योजना एक अहम योजना है सरकार की, जिससे कि पंचायत का विकास उसी से होता है। क्या लग रहा है आपके पंचायत में अभी तक कितना लोगों को इसका लगभग लाभ मिल चुका है? लगभग 400 लोग विगत हमारे जब से हम मुखिया बने हैं तब से मिला मेरे पंचायत में, लगभग 400 आ रहे हैं। लगभग आपके समय से 400 लोगों का पास हो गया है, पैसा उसके फंड में चला गया है अकाउंट में? हाँ, किसी को पहला गया, किसी को दूसरा, किसी को तीसरा, मैक्सिमम लोगों चलिए गया है। मतलब 25% लोग ने गया होगा, जो काम जारी है अपना काम कर रहा है। अच्छा, 7 निश्चय योजना का नल जल योजना एक अहम योजना है, क्या लग रहा है आपके पंचायत में ये धरातल पर है? जी नहीं, धरातल पर तो नहीं है। क्या समस्या क्या आ रही है भाई? सपना है मुख्यमंत्री जी का 7 निश्चय योजना का, ये सपना है? सपना है तो बुधवा पंचायत में 13 वार्ड हैं, 13 वार्ड में 9 वार्ड में नल जल योजना हमसे पहले जो मुखिया थे उन्हीं के शासनकाल में लग चुका था, लेकिन इक्का दुक्का छोड़ के कहीं चल नहीं रहा है। कहीं पनस मना पैप उखड़ गया है, कहीं टंकी फट गया है, कहीं टावरी गिर गया है। इस आधार पर तो यही कहा जा सकता है कि 75% से 80% लगता है नल जल सरकार नहीं है, मैंने कारगर नहीं है। जब से आप मुखिया बने हैं क्या लग रहा है इसको बनवाने के लिए, कभी किसी के पास आप आवेदन दिए हैं लिखित में? आवेदन तो नहीं दिए हैं, लेकिन मैंने इस पर किसी मैंने वार्ड लोग के स्तर से काम करवाना है, और उसमें पैसा नहीं है। 24 लाख रुपया था नल जल योजना के मेरे पास, तो वार्ड नंबर 6 में 8 लाख रुपया खाता में ट्रांसफ़र कर दिए, वार्ड नंबर 9 में 7.5 लाख रुपया ट्रांसफ़र किया, और वार्ड नंबर 13 में 6 लाख रुपया ट्रांसफ़र किए, लेकिन वार्ड लोग आज तक ले 1 रुपया का काम नहीं करवाया। अच्छा, पैसा वैसे पड़ल है। इसमें आप लापरवाही किसकी मानती हैं, सरकार के मान रहे हैं या फिर जो पदाधिकारी हैं उसको मान रहे हैं? सरकार और पदाधिकारी तो दोनों एक ही हैं, उसको सरकार नहीं, नहीं, सरकार तो योजना को दे रही है, लेकिन पदाधिकारी उसको धरातल पर लाते हैं जिसमें आप लोग का एक अहम भूमिका है, तो किसकी गलती आप मान रहे हैं? और यहाँ तो जिला प्रशासन की गलती माना जाएगा, क्योंकि उन पर अंकुश नहीं लगाए। हम तो कई बार मौखिक कहे भी कि भाई पैसा ट्रांसफ़र किया 24 लाख में 22 लाख रुपया, जो 1 लाख रुपया के काम नहीं हुआ। कम से कम 3 वार्ड में तो अभी काम होता, पैसा ऐसे पेंडिंग में रखा हुआ है, वो भी खर्च नहीं किया है, नहीं निकाला है, खाता में डाल दिए वैसे लेके पड़ा हुआ है। क्या लग रहा है अब आप क्या करेंगे, मतलब कि लगभग 15 महीना का कार्यकाल खत्म हो गया, अब क्या करने वाले हैं? हम तो यही चाह रहे हैं कि गर्मी का मौसम है, पहाड़ी इलाका है, पानी का बहुत संकट है, तो हम सोच रहे हैं कि जैसे भी हो लोकल प्रशासन से मिल के उसको हम चालू करवाने का काम करें, कोशिश करें। कब तक जनता को ये पूरा हो जाएगा लगभग? ये भाई 100 बीमार और 1 अनार वाली बात है, और हम चाहेंगे प्रशासन साथ देगी तो हम चाहेंगे अपना पंचायत में दुरुस्त करें। प्रशासन साथ देगी तभी ना, यहाँ का जो कलेक्टर साहब हैं, DDC महोदय हैं, DPRO साहब हैं, BPRO साहब हैं, BDO साहब हैं, इन लोग सहयोग करेंगे और फंड उपलब्ध करेंगे तब ना। अच्छा, नली गली की व्यवस्था कैसी है? आमतौर पर देखी जाती है कि गलियों की स्थिति बद से बदतर रहती है, आपके यहाँ क्या स्थिति है? तो बद से बदतर की ओकरों से बदतर है, जहाँ भी जाइएगा नली गली। आपके यहाँ का क्या स्थिति है? हमारे यहाँ तो कुछ हेवे नहीं किया आज तक 75 साल। भाई जनता आपको मुखिया बनाया है, चुन के लाया है विश्वास पे कि हमारे लिए मुखिया जी करेंगे, तो क्या सोचे होंगे ना कि हमको विकास करना है? विकास तो करना है, मेरे खाते में पैसा है भी नली गली वाला, कुछ जगह इक्का दुक्का जगह हुआ है, और बाकी एग्रीमेंट करने जा रहे हैं,
सहयोग जो पंचायत सचिव है सहयोग देगा तभी। क्या सहयोग, किस तरह के सहयोग आप चाह रहे हैं जो नहीं मिल पा रहा है? आज तक तो सबसे पहले समस्या हमारे खास करके है कि मेरा पंचायत सचिव आज तक परमानेंट नहीं है। पुराना पंचायत सचिव था जो रिटायर हो गया, तो 6 महीना तक ले चार्जे नहीं दिया। 6 महीना हमारे जो 30 दिसंबर को हम चार्ज शपथ ग्रहण हुआ 2022 को, तो 6 महीना पुराना सचिव तो चार्ज नहीं दिया, तो 6 महीना कैसे चल गए। 6 महीना में जो सचिव आया है वो कहता हम टेम्पररी हैं, हम अभी नहीं काम करेंगे, हम बदल जाएंगे, इन्हें चल जाएंगे, उन्हें चल जाएंगे। जो सचिव BDO साहब से हम मिले कई बार कि हमको सचिव दीजिए, तो कहेंगे आपको सचिव दिए हैं, ये सचिव चार्ज देगा तो वो सचिव आएगा, इसलिए काम फील्डिंग में है। तो अब क्या मतलब क्या करने वाले हैं इसके लिए? कभी आपने परमानेंट पदाधिकारी को लिखित बोले हैं? लिखित नहीं, मौखिक शिकायत BDO साहब से किए हैं। आश्वासन मिला है? हाँ, बोले हैं, वो ट्रांसफर भी कर दिए, अति परमानेंट बहाली वाला भी दिए हैं, लेकिन नहीं वो चार्ज ले रहा है, नहीं चार्ज दे रहा है, मामला अटका। अच्छा, राशन वितरण से संबंधित किस तरह की राशन वितरण में देखे, कोई हमारा व्यक्तिगत कोई आके शिकायत नहीं किया, लेकिन लोगों से ज्ञात सूत्रों से पता चला है 5 किलो राशन मिलता है मुफ्त में सरकार की ओर से, लेकिन यहाँ तो किनकी गलती है जो 4 किलो लोगों को देता है, 1 किलो हर व्यक्ति को राशन काटा जा रहा है। ये कहाँ से मतलब क्या रहा, डीलरों के द्वारा ये सब मनमानी किया जा रहा है? डीलर लोग से पूछे तो कहें कि ऊपर से कटता है, ऊपर से कटता है, लेकिन ऊपर से तो 5 किलो खुलेआम है मिलना। नहीं, कहता है कि 50 किलो का बैग मिलता है, उसमें 40 किलो रहता है, 10 किलो रहवे नहीं करता, स्पष्ट बोलता है तलवा के बैग देख लीजिए, तो हम लोग चुप हो जाते। डीलर मतलब डीलर एकदम डायरेक्ट कर रहे हैं कि पदाधिकारी ऊपर सरकार के द्वारा ही हम लोग को 4 किलो अनाज दिया जाता है? सरकार के द्वारा लिया जाता है कि गोदाम से किया जाता है भाई, तो हम डिपली नहीं जानकारी दी है। चलिए, ये थे रामस्वरूप यादव जी, जो कि बुधवा पंचायत के मुखिया हैं, जिन्होंने साफ तौर पर अपने पंचायत के विकास को लेकर के कहा है।